गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल हमने सेट कर दिए थे। देन मॉर्निंग में ही मैंने आपको निफ्टी की इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, और निफ्टी में ये मैंने आपको हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था, बट आपको कहा था कि ये यहाँ पर होल्ड होनी जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रही थी। और आपको पता ही है कि यहाँ से जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ देन हमें यहाँ पर डाउनसाइड मूव देखने को मिला है। और कल भी मैंने सेंसेक्स में आपको ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि अगर इसके डाउनसाइड यहाँ पर मूव आया तो 79,200 का आपको ये लेवल यहाँ पर अचीव होता हुआ नज़र आएगा। तो आज मार्केट ने यहाँ पर 79,280 के आसपास यहाँ पर अपना लो लगाया है, और आपको मैंने बोला भी था कि यहाँ से आप अपनी जीरो टू हीरो ट्रेड भी बनाकर चल सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से मॉर्निंग में ब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं कि आज हमें यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला है। फिर निफ्टी में भी मैंने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताया था कि इसके अपसाइड यहाँ पर रही तो आपको यहाँ पर अपसाइड के लिए पोजीशन को बनाकर चलना है। यानी जो कुछ भी मार्केट आर्स के दौरान बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि आप यहाँ पर मंडे को मिड कैप निफ्टी में कैसे ट्रेड करके चलेंगे। बात करें तो इस जोन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर लास्ट वीक भी बताया था, और आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक हमारी ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर बियरिश कैंडल हमारी यहाँ पर फॉर्म हुई थी, और इस जो वीक है हमारी कैंडल यहाँ पर बनी है वो एक डोजी टाइप की कैंडल मिली बनी हुई है हमारी, यानी एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है जो कि हमारे यहाँ पर सपोर्ट पर ही है। बट अगर इसका हाई ब्रेक हो गया देन ही ये हमारा एक्टिव होगा, अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो देन आपको यहाँ से फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो ये हमारा जोन है ये आपके लिए अब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का यहाँ पर काम करने वाला है, यानी 11,800 तक आपका ये यहाँ पर सारा डिमांड जोन का काम करेगा। लेकिन उससे पहले 12,000 आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है। ये मैंने आपको लास्ट वीक ये दोनों लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बताए थे कि जिस दिन अगर ये 11,800 का लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया तो देन आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। अब लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर इसका ये हाई ब्रेक हो गया तो देन आपको 12,750 का आपको यहाँ से फिर टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आएगा मंडे को। अगर इसके बीच में ही मार्केट रही तो देन आपको इसी तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इसके अगर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट पर ये हमारी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये कंसोलिडेट थी। तो इस कंसोलिडेशन का हमें अच्छे से यहाँ पर देखना है कि हमें यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो देन आपको यहाँ से फिर मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा आपको सेलिंग नज़र आने वाली है, क्योंकि अगर इसके आज मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट की भी बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि लास्ट मंथ हमारा यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा बना था जो कि हमारा रजिस्टेंस पर ही था। इतनी ज़्यादा इसमें ये बाइंग आने के बाद रजिस्टेंस पर ये पैटर्न बना हुआ है, और इस मंथ अगर आप देखें तो ये टारगेट जो इसका फर्स्ट हमारा यहाँ पर बनता था 12,200 के ऑलमोस्ट, तो ये टारगेट हमारा इस मंथ यहाँ पर अचीव हुआ है। तो अगर 11,800 का लेवल ब्रेक हो गया तो देन फिर से आपको इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी, और फिर जो हमारा यहाँ पर टारगेट फर्स्ट रहेगा वो 11,000, देन यहाँ पर 10,500, ये दो टारगेट आपको फिर यहाँ पर डेफिनेटली अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए फिर अब अपने इसके इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं कि आप यहाँ पर मंडे को कैसे ट्रेड करके चलेंगे। हमारे लिए जो सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा वो 12,416, देन 12,494 का, देन 12,574 का, देन 12,650 का। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा ये है 12,650 का। जब इसके अपसाइड यहाँ पर हमारी होल्ड हो जाएगी देन आपके लिए डायरेक्ट यहाँ पर जो टारगेट अचीव आएगा वो 12,800 का आपको यहाँ पर फिर शो होगा, और देन 12,924 का। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो इतनी ज़्यादा यहाँ से अपसाइड से सेलिंग हमें देखने को मिली थी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके बाद फिर से हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। यानी ये हमारे लिए एक यहाँ पर सप्लाई जोन का काम कर रहा है। 50 to 60 पॉइंट की जो ये रेंज है ये आपके लिए यहाँ पर सप्लाई जोन का काम कर रही है। तो जिस दिन इस जोन के अपसाइड यहाँ पर होल्ड होगी देन ही आप अपने यहाँ पर अपसाइड
साइड के लिए अब ट्रेड बनाकर चलेंगे। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो 12,308 का, देन 12,223 का, देन 12,143, देन 12,000 यहाँ पर 12, देन 11,930 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट रहेंगे। और ये जोन तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो देन आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। वैसे तो सब कुछ हम साथ के साथ आपको अपडेट करते ही रहेंगे कि आपका मार्केट में यहाँ पर क्या बन रहा है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें डाउन साइड से यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने अगेन सपोर्ट से यानी 12,200 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहीं से हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो देन आपको यहाँ पर फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिलेगा। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो आपकी बेस्ट जीरो टू हीरो ट्रेड यहाँ पर आपकी निकल कर आएगी। अप साइड के लिए तो आपको देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस के काम करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।